दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे एक किचन के मसाले के बारे में जो आपकी आर्टरीज के ब्लॉकेज को खोल देता है, आपके हार्ट अटैक के रिस्क को बहुत ज्यादा कम कर देता है। हम बात करें दोस्तों लहसुन के बारे में, गार्लिक के बारे में। आप अपने हर भोजन में अक्सर लहसुन का और गार्लिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बात आती है इसको एज ए मेडिसिन के तौर पर, एक औषधि के तौर पर इस्तेमाल करने की, तो आपको अक्सर लोग या बहुत सारे YouTube वीडियोस आप देखते होंगे, वो कहेंगे कि आपको इसको कच्चा खाना है, चबा के खाना है, तभी आपको बेनिफिट मिलेंगे। और ये सच्चाई भी है, लेकिन इसके दूसरी तरफ की कड़वी सच्चाई एक ये भी है कि आप जब कच्चा लहसुन खाना शुरू करते हैं तो कई बार आपको उल्टी आ जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पंजेंट होता है। एक तो इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और ख़ुद भी जो है ये काफ़ी तेज़ होता है, इसका अपना जो टेम्परामेंट है वो काफ़ी तेज़ है, तो आपके मुंह में जलन होने लगती है, आपके खाने के नली में भी जलन होने लगती है, यहाँ तक कि आपके पेट में जलन होती है और ये गैस्ट्राइटिस का कारण भी बन सकता है। तो इसलिए जो लोग शुरू करते हैं वो इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते बहुत दिनों तक। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसको सही इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, जिससे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये खाने में भी आपको अच्छा लगेगा, आपके मुँह में और आपके खाने की नली में जलन भी पैदा नहीं करेगा, गैस्ट्राइटिस भी नहीं पैदा करेगा, और इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो मल्टीफोल्ड बढ़ जाएंगे, यानी कि 3 से 4 गुना बढ़ जाएंगे। तो आपको लहसुन को इस्तेमाल करना होगा फर्मेंटेड लहसुन के रूप में। अब आप सोचेंगे कि इसको फर्मेंट कैसे किया जाए, फर्मेंटेड लहसुन कैसे बनाया जाए, तो वो बहुत मुश्किल नहीं है। हम आगे इस वीडियो में यही बात करेंगे कि फर्मेंटेड लहसुन कैसे बनाया जाता है। तो आप करीब 10 से 15 लहसुन की साबुत गांठें ले लेंगे और उसकी जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो पीसेज हैं, उनको अलग कर लेंगे। उनको अलग करने के बाद उसको छील लीजिए, उसके ऊपर से जो छिलका होता है उसको पील ऑफ कर दीजिए, उसकी स्किन जो है वो निकाल दीजिए। अब इसकी जो छोटे छोटे पीसेज बनते हैं, जो गांठें निकल के आती हैं छोटी छोटी, इनको आप एक शीशे के बर्तन में, मर्तबान में डाल के रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको करीब 1.5 गिलास पानी लेना होगा और उसमें करीब 4 चम्मच नमक मिलाना होगा। अब इस नमक वाले पानी को, जिसको अच्छे से आपने घोल लिया होगा, आप इसको इस मर्तबान के अंदर या शीशे के अंदर डाल देंगे। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये मर्तबान के अंदर आपने पानी डाला है वो उतना पानी होना चाहिए कि जो लेयर है आपके लहसुन की, इसके ऊपर करीब 1 इंच तक ये पानी आ जाना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों आप मिलाएंगे 1 बड़ा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और इसको आप कर देंगे बंद। इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे हमने लहसुन का फर्मेंटेशन किया और जो लहसुन का फर्मेंटेशन है ये इसकी क्वालिटी को बढ़ा देता है, इसकी मेडिसिनल वैल्यूज को बढ़ा देता है, इसका जो टेस्ट है खराब वाला उसको ठीक कर देता है और आपको खाने में आसानी देता है। अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपने मर्तबान बंद करके रखा है इसको कम से कम 45 दिनों तक आपको रखना पड़ेगा। ये लंबा प्रोसेस है लेकिन बहुत फायदेमंद, बहुत ही अच्छा आप एक मेडिसिन बनाने जा रहे हैं। यहाँ तक कि आप अगर कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लेते हैं, ब्लड थिनर्स लेते हैं, तो शायद आपको उनको लेने की जरूरत ना पड़े। 45 दिनों तक रखने के बाद ये दवाई तैयार हो जाएगी, लेकिन बीच बीच में आपको हर तीसरे दिन इसका ढक्कन एक बार खोल के देखना होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ गैसें बनती हैं और ये गैसेज अगर ज़्यादा होंगी तो फिर ये जो बर्तन है आपका कांच का, उसका टूटने का डर बना रहेगा। तो इसलिए आप हर तीसरे दिन एक बार ढक्कन को खोल दें और फिर इसको बंद कर दें। यह भी ध्यान रखें कि इसको आप छांव में रखें, ऐसी जगह रखें, हवादार हो जगह, ऐसे कमरे में रखें जहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, लेकिन आप इसको रूम टेम्परेचर पर रखें, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप हर बार एक तरह से जब आपका 45 दिन पूरा होगा तो आप फिर दूसरा प्रोसेस शुरू कर देंगे, सो दैट अगले 45 दिनों तक आपके पास फिर से फर्मेंटेड लहसुन मिल जाए। अब बात करते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। आप इसको ऐसे ही रखा रहने दीजिए, क्योंकि जितना पुराना फर्मेंटेड लहसुन होगा उतना ज़्यादा फायदा करेगा। आप एक फांक इसमें से निकालें, इसको बंद करके रखें और ये इसका फर्मेंटेशन प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। एक फांक को आप दिन में एक बार इस्तेमाल करें। आप इसको आप चबा के खा सकते हैं, काट के खा सकते हैं। इसका एक तो स्वाद अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें मिठास आ जाएगा क्योंकि आपने एप्पल साइडर विनेगर डाला था, और जो इसका खराब वाला टेस्ट था, बहुत तेज टेस्ट था, वो कम हो जाएगा और अब आपको ये गैस्ट्राइटिस भी नहीं करेगा और आपके खाने की नली में जलन भी नहीं होगी। शुरुआत में एक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को इससे देखिए एलर्जी भी हो सकती है, जो बहुत ही रेयर है, तो इसलिए पहले एक खा के देखें। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है तो फिर आप इसको
एक से दो, दो से तीन और मैक्सिमम चार फांके पर डे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन के चार छोटे जो टुकड़े हैं वो एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप लगातार इस्तेमाल करेंगे, इसका कोई ऐसा ऐसा नुकसान नहीं होगा। हाँ, आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा, आपके हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाएगा, आपके आर्टरीज के अंदर, आपकी खून की नसों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा है वो डिपॉजिट्स कम हो जाएंगे और आपकी लीवर की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। आपकी लीवर से जो चिकनाई जमी है, अगर आप फैटी लीवर के मरीज हैं तो वो भी कम हो जाएगा। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, अगर आप ब्लड थिनर्स पे हैं, आप ऑलरेडी कार्डियक पेशेंट हैं और आप डिस्प्रिन या इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं या कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें, क्योंकि ये भी आपका ब्लड को थोड़ा पतला करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करेगा। तो उनकी सलाह मशवरा ज़रूर ले लें, हो सकता है आपको धीरे धीरे वो डोज कम करनी पड़े और आप इसकी डोज पूरी तरीके से कंटिन्यू करते रहें और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जानकारी भरा लगा होगा। अगर वाकई आपने इस वीडियो से कुछ सीखा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर लें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।